दोस्तों स्वागत है आपका ऑटो रेव्स पे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो गाइस आज मैं आपके लेके आऊँ ये बाइक जो कि थी ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ें जो कि मुझे इस बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आई है और कुछ चीज़ें जो कि थोड़ी और बेटर हो सकती है। तो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इस बाइक का डिटेल वॉकराउंड मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने मिल जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में वीडियोज़ देखना पसंद है तो आप हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल ऑटो रेव्स भी चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट कौन सी कार बाइक या स्कूटर आप देखना चाहोगे ऑन द चैनल वो डेफिनेटली मुझे बता सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे लिख सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको भाई जो है उस पर वीडियो बना देगा। नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट ऑफ विद द पॉजिटिव्स ऑफ द बाइक। सबसे पहला जो पॉजिटिव है इस बाइक का दैट इज द डिजाइन एंड द रोड प्रेजेंस। तो यहाँ पे ऐसी आप देख सकते हो बहुत ही स्टाइलिश लुकिंग बाइक आपको देखने मिल जाती है। रोड प्रेजेंस कमाल का आपको मिलता है। जैसे ही आप इस बाइक को लेकर रोड पर निकलेंगे तो बहुत सारे लोग इसको चेकआउट करने वाले हैं। इट इज श्योरली अ हेड टर्नर, बहुत सारे लोग इसके बारे में आपको पूछेंगे। तो अगर आपको स्टाइल स्टेटमेंट मारना है तो डेफिनेटली ये बाइक आपको कंसिडर करनी चाहिए। जो इसके डिजाइन है, जो लुक्स है, कमाल के लुक्स आपको मिल जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक। इसका डिजाइन जो है वो कमाल का आपको मिलता है। अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक, विच इज द लोअर सीट हाइट। 740 mm की यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलती है जो कि इसको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना देती है फॉर शॉर्टर राइडर एज वेल। सो मेरी हाइट है शॉर्टर राइडर्स एज वेल। सो मेरी हाइट है 5'6" की, और मैं आपको जो इस बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ कि क्या ये बाइक आपके लिए कंफर्टेबल होने वाली है या नहीं। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे इसी आप देखिए, जैसे मैं आपको बताया 740 mm की सीट हाइट है, मेरी हाइट है 5'6" की, और यहाँ पे मैं अपने दोनों ही पैरों को यहाँ पे फ्लैट फुट कर सकता हूँ। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप 5'5" हो 5'6" हो तो सीट हाइट की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर आप 5'4" भी हो तो आई थिंक आप जो है इसको मैनेज कर पाएंगे। अगर आपकी हाइट उससे छोटी है तो आप जो है इसकी टेस्ट राइड ले सकते हो। सो दैट इज़ अगेन अ गुड पॉइंट अबाउट द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक। मुझे उतरना नहीं चाहता एक्चुअली बाइक से, यही थर्ड पॉइंट मुझे यहाँ पे ही बैठ के आपको बताना है। सो थर्ड पॉइंट इज द कमांडिंग राइडिंग पोजीशन। यहाँ पे आप देखो बहुत ही कमांडिंग राइडिंग पोजीशन आपको देखने मिल जाती है। अब इस बाइक में जो है आपको फुटपैक्स जो है वो सेंटर सेट नहीं मिलते, फ्रंट सेट मिलते हैं। तो आपको जो है कोई इस तरह से पैर रख के इसको इस बाइक को चलाना पड़ेगा। इनिशियली हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा सा जो है अलग लगे, लेकिन यू विल गेट यूज टू इट। तो यहाँ पे जो है कोई इस तरह की आपको जो है कमांडिंग राइडिंग पोजिशन देखने मिल जाएगी। कोई इस तरह से जो है आप राजा की तरह, सेठ जी की तरह बैठ के इस बाइक को चलाते हो। सो ये है थर्ड हाईलाइट ऑफ द बाइक, थर्ड पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक की इसकी जो कमांडिंग राइडिंग पोजीशन आपको इस बाइक से देखने में मिल जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, विच इज द हाई स्पीड स्टेबिलिटी। जब आप हाई स्पीड पे इसको भगा रहे हो तो इसके वेट की वजह से इसकी जो आपको जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी है वो कमाल की देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे एक क्रो बैठा है जो कि इस बाइक को चेकआउट कर रहा है। जैसे मैं आपको बताया था कि जो है इस बाइक की डिजाइन जो कमाल की मिलती है, तो बहुत सारे लोग जो इसको चेकआउट करने वाले हैं फॉर श्योर। इनफैक्ट जो है यहाँ पे बर्ड्स भी जो है चेकआउट करने लग चुके हैं इस बाइक को। एनी विच वेज मूव कमिंग ऑन टू द पॉजिटिव पॉइंट्स, अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक, विच इज द गियर शिफ्टर। गियर शिफ्टर यहाँ पे आपको जो है काफी स्मूथ शिफ्टिंग गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। 6-speed का गियर बॉक्स दिया गया है। नाउ आई लव द फैक्ट कि आप जो ये दोनों को जो है यूज कर सकते हो। आप यहाँ से भी अपशिफ्ट और डाउन शिफ्ट कर सकते हो कम्प्लीटली सिर्फ ये यूज करके, या फिर आप दोनों को यूज करके भी जो है अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर सकते हो। तो जो भी पैटर्न आपको पसंद आता है उस हिसाब से आप जो है इसको यूज कर सकते हो। मुझे जो है ये सिंगल इसको यूज़ करके अपशिफ्ट डाउन शिफ्ट करना पसंद है, तो मैं सिर्फ इसको इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता हूँ। सो दैट इज़ माई पर्सनल चॉइस एंड प्रेफरेंस। आपको क्या पसंद आता है, सिर्फ ये यूज़ करना पसंद आता है या दोनों ही जो है हील टू शिफ्टर यूज़ करना पसंद आता है, वो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। सो ये रहा नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द बाइक, विच इज द इंजन ऑफ द बाइक। अब इस बाइक को पावर कर देता है 648cc का पैरेलल ट्विन एयर ऑयल कूल इंजन, जो कि बनाता है 47 PS की पावर और 52.3 Nm का टॉर्क। इंजन जो है बहुत ही एक्सट्रीमली रिफाइंड आपको मिलता है, और जो है वाइब्रेशंस जो है वो भी काफी वेल कंटेन्ड आपको मिलता है। वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होता है फ्यूल टैंक पे या फिर हैंडल बार पे, थोड़े से वाइब्रेशंस हो सकते हैं कि आपको फील हो ऑन द फुटपेग राइट हियर जब आप इसको हार्ड एंड फास्ट रेव करते हो तब। सो दैट इज अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की तरफ, जो कि है इसकी फिट एंड फिनिश। तो यहाँ पे फिट फिनिश जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे स्विच गियर की क्वालिटी काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जैसे कि आप सुन सकते हो, एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ फिट फिनिश, और जो इसकी पेंट क्वालिटी है वो भी आपको जो है काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब बात करते हैं अबाउट द फाइनल पॉजिटिव पॉइंट
ऑफ द रॉयल इनफील्ड सुपर मिट्योर 650 जो कि है इसके ब्रेक्स। ब्रेकिंग जो है यहाँ पे काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है फ्रॉम द रॉयल इनफील्ड सुपर मिट्योर 650। अब इस बाइक के साथ आपको मिलते हैं ड्यूल चैनल ABS मिल जाता है, आगे आपको 320mm का डिस्क मिलता है, बाइबर के ब्रेक कैलिपर्स देखने मिल जाएंगे, जबकि पीछे आपको जो है 300mm का डिस्क देखने मिल जाता है। सो ब्रेकिंग जो है वो भी काफी अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइज ये थे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, आई थिंक 8 पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने गिना दिए इस बाइक के बारे में। अब बात करते हैं अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द बाइक। तो सबसे जो पहला ड्रॉबैक है दैट इज द वेट ऑफ द बाइक, 241 kgs का इसका कर्व वेट आपको देखने में मिल जाता है। तो अगर आप रोज इसको जो है सिटी में चलाने का प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी आप फेस करो। अगर आप रोज ट्रैफिक में इसको चलाने का प्लान कर रहे हो तो हो सकता है कि इसको मैन्यूवर करना, मूव करना ट्रैफिक में थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाए। सो दैट इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ द बाइक विच इज द क्लच। यहाँ पे क्लच जो है वो भी आपको जो है काफी हैवी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अगेन इसको जो थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है टू मैन्यूवर इन सिटी इन ट्रैफिक कंडीशंस। सो ये थे फर्स्ट दो ड्रॉबैक्स ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द बाइक विच इज द इंजन। अब इसको जो पावर करता है 648 cc का पैरेलल ट्विन एयर ऑयल कूल्ड इंजन। अब ये इंजन जो है जैसे आप 650 cc सुनते हो तो आप जो है इमेजिन करते हो कि ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, बट ये इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल आपको नहीं मिलता है। स्पाइकी पावर डिलीवरी आपको जो है इस इंजन से नहीं मिलती है। सो ये थी बात अबाउट द इंजन। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द बाइक विच इज़ द माइलेज। अब ये एक 650 cc इंजन है तो ये आपको जो है आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 18 से लेके 24 के आसपास का माइलेज ये बाइक आपको जो वो डिलीवर कर देगी डिपेंडिंग ऑन द इन डिफरेंट सिचुएशंस। सो दैट इज अबाउट द माइलेज ऑफ द बाइक। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द बाइक विच इज़ द हैंडलिंग। अब जो है 241 kgs का इस बाइक का वेट है, हैंडल बार जो है यहाँ पे आपको जो है बहुत ज़्यादा हैवी देखने के लिए मिल जाता है, और जब आप इसको चलाने लगेंगे तो जो फील एंड फीडबैक आपको जो है इस हैंडल बार से वो मिलता नहीं है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही हैवी इस बाइक का जो है वो यहाँ पे आपको हैंडल बार देखने में मिल जाता है। तो ये वेअप काफ़ी अच्छे से करता है हैंडल बार, बट फील एंड फीडबैक के मामले में अराउंड द कॉर्नर्स आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता है। सो दैट इज अगेन अ ड्रॉबैक ऑफ द बाइक। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रॉबैक की तरफ विच इज़ द राइड क्वालिटी। जो आपको राइड क्वालिटी मिलती है इट इज़ ऑन द स्टिफर साइड, तो खराब सड़कों से आपको धीरे लेके जाना पड़ेगा। हाई स्पीड स्टेबिलिटी जैसे मैं आपको पहले ही बताया कि अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन राइड क्वालिटी यहाँ पे आपको स्टिफ देखने के लिए मिलेगी, तो खराब सड़कों से थोड़ा धीरे लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको जो है बहुत सारी चीज़ें फील होती है ऑन द सीट। यहाँ पे सीट जो है वो आपको कंफर्टेबल ऑल्दो देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन इस सीट के साथ और एक प्रॉब्लम ये है नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द बाइक विच इज़ द पिलियन सीट। अब यहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बैक रेस्ट लगाना, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप देखो इस तरह की आपको पिलियन सीट देखने मिल जाती है। ग्रैब हैंडल स्ट्रैप यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपको जो है एक होल्ड करने के लिए ये वाला चीज़ दी गई है। एंड या दैट्स मच अबाउट इट। तो पिलियन के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। अब बात करते हैं अबाउट द फाइनल ड्रॉबैक ऑफ द बाइक विच इज़ द अ काइंड ऑफ फीचर्स। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता है, USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने के लिए नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें जो है मिसिंग है। अल्दो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की इस बाइक को जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज़ अ पावरफुल मोटरसाइकिल। तो जो लास्ट वाला ड्रॉबैक मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही पिक किया है बिकॉज उतना ज़्यादा आपको जो ये चीज़ फील नहीं होगी, बट इट इज़ ऑब्वियसली देयर कि इसमें आपको जो USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलता है, सो दैट इज़ अ ट्रूथ। बट ये एक बहुत ही जो है सब्सटैंशियल जो है ड्रॉबैक नहीं है। सो ये थे 8 पॉजिटिव्स एंड 8 ड्रॉबैक्स ऑफ द सुपर मिट्योर 650। इस वीडियो को एंड करते हैं इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट के साथ। सो आप जो है एग्जॉस्ट नोट सुनिए एंड वी विल एंड द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कि एक 650 cc बाइक खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड अगर कुछ सवाल है तो शॉर्टली मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन ड्राइव सेफ, राइड सेफ। Bye-bye.